हेलो डियर स्टूडेंट, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा दसवीं का अध्याय एक, और ये हमारा वीडियो नंबर तीसरा है। इसमें आज हम जो है पढ़ने वाले हैं कि ऑक्सीजन के योग एवं हर्ष के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। तो उपचयन और अपचयन को इसमें हमें आपको समझाना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल पर को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो से। तो सबसे पहले हमें आपको बता दें कि जो उपचयन है, उपचयन का जो दूसरा नाम है, इसको जाना जाता है ऑक्सीकरण के नाम से। आपको ये नाम भी याद होना चाहिए, क्योंकि ये भी फेमस नाम है। ठीक है, ऑक्सीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये आपको इतना याद होना चाहिए। अब यहाँ पर प्रश्न में क्या पूछा है? ऑक्सीजन के योग और हर्ष, मतलब ऑक्सीजन का योग मतलब जुड़ने के आधार पर, और हर्ष मतलब उसके निकलने के आधार पर। अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उस क्रिया को क्या कहेंगे? अगर किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निकल रहा है तो उस क्रिया को क्या कहेंगे, ये हमें इसमें बताना है। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं उपचयन यानी ऑक्सीकरण को। तो जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का संयोग होता है, मतलब योग होता है, जोड़ होता है, मतलब जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ रही हो, संयोग हो रहा हो, तो उस पदार्थ का क्या हो जाता है? उपचयन होता है, अर्थात ऑक्सीकरण होता है। किसी पदार्थ, जैसे कि अब वो पदार्थ आपके तत्व हो सकता है, कोई यौगिक हो सकता है, में ऑक्सीजन के योग की अभिक्रिया, किसी पदार्थ में, यहाँ पर मैं कर सकते हैं आप, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन के योग की अभिक्रिया उपचयन या ऑक्सीकरण कहलाती है। यहाँ पर आप नीचे इसके एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पर कॉपर आपने लिया, ऑक्सीजन की उससे क्रिया हुई, ऑक्सीजन इसमें जुड़ेगा तो बन जाएगा 2CuO, क्योंकि ऑक्सीजन में जो O2 ग्रुप में मिलता है, कॉपर आपका Cu मिलता है। इसको आप जब इस अभिक्रिया करवाएंगे तो ये हो जाएगा, आपको बैलेंस करने की वजह से यहाँ पर हमने CuO लिखा तो आगे 2 लगा दिया। तो ऑक्सीजन भी 2 थे यहाँ पर, कॉपर भी 2 थे, तो इस प्रकार 2CuO में दोनों ही कॉमन हो गए और दोनों ही बैलेंस हो गए। इसके बाद आप ये सबसे सरल एग्जांपल आप देख सकते हैं, C+O2, जब कार्बन की ऑक्सीजन से क्रिया हुई तो CO2 बनता है, और इस प्रकार से CO2 में जो है आपका ऑक्सीजन जुड़ा हुआ दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर कार्बन में से कार्बन जो है ऑक्सीकृत हो गया, अपना कार्बन का यहाँ पर ऑक्सीकरण हो गया, क्योंकि कॉपर से जो कार्बन से जो है ऑक्सीजन जुड़ी है। यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ, क्योंकि कॉपर से ऑक्सीजन जुड़ गई। ठीक, तो ये हो गया कार्बन ऑक्सीजन के योग के आधार पर, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ी है दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे लिखा भी है कि उपयुक्त उदाहरणों में कॉपर एवं कार्बन का उपचयन यानी ऑक्सीकरण हो रहा है। इसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट अभिक्रिया, जो कि है अपचयन अभिक्रिया, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, इसका इंग्लिश नेम है रिडक्शन। ठीक है, इसके बाद तो इसमें क्या हो जाएगा, अब ऑक्सीजन के आधार पर हमें परिभाषा बताना है। वैसे तो इसकी परिभाषाएँ ऑक्सीजन अपचयन के 3 या 4 प्रकार से हम दे सकते हैं, लेकिन इसमें आपको अपने सिलेबस में जो प्रश्न में पूछा है उसके हिसाब से आप पता है परिभाषा। तो अब उसमें ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ रही थी, तो इसमें क्या होगा, इसका अपोजिट हो जाएगी, निकलेगी। तो जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का हर्ष होता है, अर्थात निष्कासन होता है, तब उस पदार्थ का अपचयन होता है, और यह O2 हर्ष की अभिक्रिया अपचयन कहलाती है। मतलब O2 की निष्कासन की क्रिया अभिक्रिया क्या कहलाती है? अपचयन कहलाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि CuO है, H2 यहाँ पर क्रिया हुई तो H2 इसमें जुड़ जाएगा। ये कहें सॉरी, यहाँ से ऑक्सीजन निकालना है, जैसे कॉपर में से ऑक्सीजन निकला हो तो H2 बन के ये बाहर निकल गया और CU अकेला बचा, तो कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया, इसलिए यहाँ पर कॉपर का अपचयन हो गया। जिंक ऑक्साइड में जिंक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और कार्बन यहाँ पे इसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल जाएगा और कार्बन यहाँ पर जुड़ जाएगा, किससे? ऑक्सीजन से। तो ये बन जाएगा CU और जिंक अकेला बचेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिंक से ऑक्सीजन निकल गया है, इसलिए जिंक का क्या हुआ? अपचयन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उपयुक्त उदाहरणों में CuO जो आपका यहाँ पर CuO था और ZnO यानी जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इनमें से ऑक्सीजन निकल चुका है और इस प्रकार से स्वतंत्र रूप में कॉपर और जिंक बचते हैं। ठीक, इसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रश्न आता है कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण से समझाइए। तो संयोजन अभिक्रिया के आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, संयोजन मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, उनका योग हो जाना। तो अभी अपने ऊपर पड़ा कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक, कम से कम क्या होना चाहिए, 2 तो कम से कम होना चाहिए, अभिकर्मकों, अभिकर्मकों से मतलब है अभिकारकों से,
एकल उत्पाद का निर्माण होता है जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं या निर्माण करते हैं, तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण है दीवारों पर चूने से सफेदी करना। इसको कैसे करते हैं, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं उदाहरण में, यहाँ पर C+O2, ये सबसे सरल इजी एग्जांपल है कि इसमें जब कार्बन की ऑक्सीजन से क्रिया करवाए तो CO2 बन जाता है, ये जुड़ गया। इसी प्रकार से आप चाहें तो C+2H2, और यहाँ पर आप CH4 भी बना सकते हैं, तो यहाँ पर भी कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ गया, जिस प्रकार से CH4 बन गया, ये C+O2 CO2 बन गया, तो ये इसकी संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है कि कौन सी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत है, और अभिक्रिया का नाम समीकरण सहित लिखिए। तो संयोजन अभिक्रिया के विपरीत अभिक्रिया कौन सी है, तो वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में दो अणु जुड़कर एक बनते हैं, और वियोजन में इसके क्या हो जाता है, एक अणु टूटकर दो में बदल जाता है। तो वियोजन अभिक्रिया में कोई अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में विघटित हो जाता है। उदाहरण के लिए चूना पत्थर को गर्म करने पर यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाती थी। ये चूना पत्थर है जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट बोल रहे हैं, इसको जब गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो ये हो गया वियोजन अभिक्रिया का एग्जांपल। इसके बाद हम संयोजन अभिक्रिया की समझें, तो क्या होता है इसमें कि जब की संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व युग्मक संयुक्त होकर मिलकर जुड़कर एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देख सकते हैं आप, H2O2 का जो संयोग होता है तो जल का निर्माण करते हैं, H2O2 मिले और ये यहाँ पर जल का अणु बना लिया, आपके चार हाइड्रोजन थे, दो ऑक्सीजन थे, तो 2H2 यहाँ पर बैलेंस करके इसको कर लिया, अर्थात दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद यानी H2O बनाते हैं। तो ये थी बच्चों संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के विपरीत। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न हमारा है प्रश्न क्रमांक 12 कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, समीकरण सहित दीजिए। तो रेडॉक्स बच्चों, यहाँ पर आपको बता दें कि रेडॉक्स शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, रेडॉक्स RE+REd+ OX। यहाँ पर जो RED का मतलब है वो है, RED का मतलब रिडक्शन, और रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन। यहाँ पर OX शब्द जो बना है, OX शब्द बना है ऑक्सीडेशन से, और ऑक्सीडेशन का इंग्लिश नेम हिंदी होता है ऑक्सीकरण, अर्थात हम ये कह सकते हैं रेडॉक्स शब्द ऑक्सीकरण और अपचयन से मिलकर बना है। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन एक साथ होता है क्या कहलाती हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएँ कहलाती हैं। परिभाषा देखते हैं, एक ही अभिक्रिया में यदि किसी तत्व का ऑक्सीकरण होता है और किसी दूसरे तत्व का अपचयन होता है, इसलिए इनका अलग अलग अध्ययन ना करके एक साथ अध्ययन करते हैं और दोनों को मिलाकर रेडॉक्स कहते हैं। तो परिभाषा यहाँ से बन जाएगी इसकी कि वह अभिक्रिया जिसमें एक क्रियाकारक का ऑक्सीकरण होता है एवं दूसरे क्रियाकारक का अपचयन होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। आपको मेन परिभाषा यहाँ से अच्छे से याद कर लेना है। अब यहाँ पर आप देखें कि जिंक की जब क्रिया कॉपर सल्फेट से करवाते हैं तो जिंक जो है इसकी CU को हटा के यहाँ पर अलग कर देता है और ZnSO4 बन जाता है, क्योंकि ZN जो है CU से ज़्यादा क्रियाशील होता है, इस प्रकार से वो उसको हटा देता है। ठीक, तो यहाँ पर जिंक का हो रहा है ऑक्सीकरण और कॉपर का हो रहा है अपचयन। ठीक, तो ये होती है आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया। उम्मीद है अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बन रही है हमारे चैनल श्री कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल बेगमंज पर। धन्यवाद।